so beautiful, so elegant, just looking like a wow. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। आज के इस वीडियो में इस ब्यूटीफुल से अनारकली फ्रॉक की पूरी डिजाइनिंग में आपको बताऊंगी, कटिंग, स्टिचिंग, एवरीथिंग। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये रहा मेरा खजाना। सो ये वाली है वो जगह जहाँ पे मैंने अपने सारे अनस्टिच फैब्रिक्स रख रखे हैं। तो अभी मैंने येलो और स्काई ब्लू वाला फैब्रिक निकाल लिया है, जो शिफॉन फैब्रिक है और प्योर का शिफॉन है, ठीक है। और इन दोनों में से जिसका भी मुझे सारा मटेरियल मिल जाएगा ना, वही वाला सूट रेडी करूँगी। एक स्केच बना लिया है रफ और सारी मटेरियल्स मैंने लिख लिया है कि मुझे क्या क्या चाहिए। अब आ गई हूँ मैं मार्केट, ठीक है। और मार्केट में ढेर सारे मैंने लेसेस देखे मुझे, अच्छा स्काई ब्लू वाला जो है ना उसका सारा मटेरियल मिल गया था। तो अब मैं देख रही हूँ सिल्वर कलर का लेस, क्योंकि सिल्वर वाले में मुझे स्काई ब्लू वाले जो फ्रॉक बनाऊंगी उसमें मुझे सिल्वर लेस लगाना है, उसमें सिल्वर ही सूट करेगा। अगर येलो बनाती तो येलो में मैं गोल्डन लगाती, वही ज़्यादा उभर के आता, ठीक है। तो अब मैं सिल्वर वाला देख रही हूँ, लेकिन मुझे मिरर वाला नहीं चाहिए था तो मैंने सीक्वन वाला लिया। मिरर वाला अगर चार पांच लेयर में जैसे लगाऊंगी ना तो हैवी हो जाएगा नीचे का बॉटम। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग ली है जो सिल्क फैब्रिक में है, इसका मैंने 7 मीटर लिया है, ठीक है। बच जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम पड़े तो ये कलर जो होते हैं ना जल्दी मिलते हैं नहीं। साथ में मैं ये ले आई हूँ, ये है पेपर बुक रोम, ठीक है। कुछ लेसेस हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे ये वाले लेसेस लिए हैं जो मुझे 3-4 लेयर में लगाने हैं, तो मैंने ये लिया है पूरा एक्स्ट्रा से। यहाँ पे 7 मीटर ले लिया, ये हो गया। और साथ में मैंने ये ट्रेसेस भी लिए हैं, ये कुछ नए डिज़ाइन मुझे लग रहे थे और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये टसल। तो ये टसल फ्रॉक के बॉर्डर में लगाने के लिए चौड़ी वाली लेस ली थी मैंने 3.5 मीटर, जो मुझे बाद में और 3.5 मीटर लानी पड़ी। और साथ में मैंने ये सीक्वन लिया था जो 10 रुपये पैकेट पड़ा था। ये मैंने दुपट्टा लिया है नेट का, मुझे ऑर्गेंजा नहीं मिला लेकिन कलर बिल्कुल सेम मिल गया तो मैंने नेट ही ले लिया। और ये जो फैब्रिक आपको दिख रही है मैंने डाई करवाया है सेम कलर का, पहले से डाई किया हुआ था। ये जो गोल्डन बूटियाँ दिख रही है इसको मैं सिल्वर में कन्वर्ट कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा अगर रिंकल पड़ जाए ना तो फिर कटिंग में गड़बड़ हो जाए। मैंने अब फ्रॉक का फाइनल स्केच बना लिया है और कितनी कलियाँ डालनी है वो भी लिख ली है, ठीक है। ये जो फैब्रिक है ये कहाँ पे लगाऊंगी मैं अभी आपको बताती हूँ आगे, ठीक है। ये जो गोल्डन फ्लावर्स है ना इसको मैं कटदाने और सिल्वर कलर के सितारे से बिल्कुल कवर करके सिल्वर कलर बना दे रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा दिख रही है वो कटिंग में निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मैं बना रही हूँ यॉक, और यॉक थोड़ा सा डिफरेंट लगे इसलिए मैंने ये नेट फैब्रिक का यूज़ कर दिया। और यहाँ पे मैंने राड जो कट दाने होते हैं ना उससे 2 लेयर बना दी नेक पे, ये हैंडवर्क कर दिया मैंने इसमें, और पट्टियाँ पहले ही लगा ली थी ताकि पलटने में फिर बाद में स्टिचिंग में प्रॉब्लम ना हो। अब आती है बारी कलियों को आपस में जोड़ने की, और इस तरह से जोड़ के पूरा स्कर्ट तैयार कर लेना है। और यहाँ पर मेरा स्कर्ट हो चुका है तैयार, अब मुझे करनी है इसकी लाइनिंग। स्लीव्स पे मैंने 1-1 इंच के दूरी पे इस तरह से लेसेस लगा लिए थे, इसमें 9 लाइंस मैंने डाली है, अभी काउंट कर रही हूँ। ये है बॉर्डर, स्लीव्स तैयार हो चुका है, यॉक तैयार हो चुका है। अब मैं फ्रॉक के जो स्कर्ट के बॉर्डर है उसको तैयार करूँगी, और जब ये तैयार हो जाएगा फिर स्कर्ट को यॉक से ज्वाइन कर दूँगी। उससे पहले क्या हुआ कि मेरा लेस ख़त्म हो गया और मुझे वहीं पर स्टॉप कर देना पड़ा, तो मैंने सोचा कि तब तक क्यों ना दुपट्टा तैयार कर लिया जाए। तो मैंने लेस को इस तरह से कर्व कर्व करके, तब सोल्डिंग आयरन मैंने कैची से कटर से ही कट करके कट वर्क कर दिया था इसमें दुपट्टे में। ऐसे बिना सोल्डिंग आयरन के आप कट वर्क कैसे कर सकते हैं अगर आपको सीखना है तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूँगी। दुपट्टे में मैंने बीच बीच में सीक्वेंस लगा दिए थे, और मैंने पैंट पहले ही रेडी कर लिया था। और दोबारा मैं आ गई थी यहाँ पे लेस लेने के लिए, लेस मैंने दोबारा 2.5 मीटर लिया, पहले 3.5 मीटर लिया था, टोटल 6 मीटर्स। और नीचे का जो घेरा है उसमें मेरा टोटल 5.5 मीटर लगा, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि 5.5 मीटर का मेरा घेरा था फ्रॉक का। तो बस अब टेसल्स लगाने रह गए थे, लटकन लग जाए फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, बस थोड़ा सा इतना जब सबर कर लिया तो थोड़ा और सबर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप इसका घेरा देख सकते हैं, पूरे
फ्रेंड्स आप लोग सुन सकते हैं मेरा गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है, फिर भी मैं वॉइस वर्क कर ही रही हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो अपलोड करनी ही थी। तो इसकी पूरी कटिंग अगर पूरी डिटेल में आपको सीखनी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और बाकी ये फ़्रॉक इतनी प्यारी बनी थी ना, मतलब क्लास ही हो गया, क्लास मैं कह रही हूँ ना, बवाल हो गया। तो जिसको ये बवाल लगा ना वो मुझे कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पर मैंने नवाज से बोला कि ज़रा अच्छे से वीडियो बना दो। अब शादी ब्याह में ऐसा होता है ना, मुझे तो बड़ी शर्म आती है पिक्चर विक्चर बनाने में, थोड़ी सी नर्वस हो रही होती हूँ। और ये फ्रॉक इतना अच्छा लग रहा था, हर कोई तारीफ ही कर रहा था इसके कि मतलब सिंपल में इतना अच्छा लग रहा है, इसका कलर सबको पसंद आया, डिज़ाइन पसंद आई। और सबसे बढ़िया बात, इसके जो घेरा है ना, इतना ज़्यादा इसका घेरा है, मतलब मज़ा आ गया ये पहन के बस। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने किसी ब्रांड से नहीं खरीदा, लाख दो लाख की ड्रेस लगी रही थी ये। अच्छा मेरे पैरों को इग्नोर करेगा, मैं नेल पॉलिश नहीं लगाती क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी होती है, मैंने पहले भी बताया। मैंने सोचा था लगा लूँ।